नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बीके में। मैं प्रशांत पचौरी, मैं साक्षी राय। खबर फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानी पर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबर फटाफट और पहली खबर आ रही है झांसी से। झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बड़ागांव व चिरगांव में किया औचक निरीक्षण। सरकारी विभागों में मचा हड़कंप। उन्होंने कई गैर जिम्मेदारों को लगाई फटकार। चिरगांव ब्लॉक में गैर मौजूद रहने वालों को कर दिया सस्पेंड। नगर पालिका गेट पर दोनों तरफ वृक्षारोपण करने व एपेक्स बिछाने के दिए निर्देश। मऊरानीपुर के गांव में किसानों ने की बैठक। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। कई दिनों से बिजली न आने पर विद्युत विभाग पर भड़के। दी चेतावनी, कहा 24 घंटे में नहीं आई बिजली तो करेंगे विभाग का घेराव। सड़क की समस्या पर भी जताई नाराजगी। झांसी में व्यापार मंडल की कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ। विधायक रवि शर्मा व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा रहे मौजूद। व्यापारियों के हित के लिए बना है संगठन। व्यापारियों के हित के लिए कार्यकारिणी सदस्यों ने खाई कसम। और वही झांसी के पुलिया नंबर 9 क्षेत्र में रेलवे लोको इंस्पेक्टर नरेश धनकर ने की कार्यवाही। रेलवे की हद में आने वाले अवैध कब्जाधारियों की दुकानों को हटाया किया गया चालान। दोबारा अतिक्रमण न करने का दिया अल्टीमेटम। और इसके बाद मौट ब्लॉक में भी किया डीएम ने निरीक्षण। कर्मचारियों के फूले हाथ पांव। अव्यवस्थाओं पर भड़के डीएम, बोले अब नहीं होगी लापरवाही बर्दाश्त। और झांसी के टोरी फतेहपुर में एक दिन की थानेदार का दिखा जलवा। थाने में आए घरेलू विवाद को कुछ मिनटों में सुलझाया। नगर भ्रमण में लोगों को दी कोविड-19 से बचाव के सुझाव। एक दिन की थानेदार को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बेटी का सपना है कि आगे चलकर बने पुलिस अधिकारी। सीएम योगी के मिशन शक्ति से बेटियों का बढ़ रहा है उत्साह। 12वीं की छात्रा शिवानी यादव को बनाया गया झांसी के ककरबाई का थाना अध्यक्ष। एक दिन की थानेदार ने सुनी पीड़ितों की फरियाद। थाने में साफ सफाई सहित कई रजिस्ट्रों का किया निरीक्षण। थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप गौतम सहित पुलिस बल भी रहा मौजूद। जिला प्रशासन की पहल पर बरुआ सागर थाने के एक दिन की इंचार्ज बनी निशा समाधिया। मौजूद फरियादियों की सुनी समस्याएं। होशियार छात्रा निशा के उज्जवल भविष्य की पुलिस ने की कामना। इसी छात्रा से स्वयं मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे बरुआ सागर। गुरसराय में सर्दी आते ही चोर हुए सक्रिय। गुरसराय के गल्ला व्यापारी की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। ले गए तिल और दाल से भरी बोरियां। पुलिस ने की तलाश शुरू। हरोरई में देसी विदेशी शराबों की दुकान पर डीएम व एसपी ने मारा छापा। दुकानदारों में मच गया हड़कंप। दुकान के अंदर रखे स्टॉक और शराब की पैकिंग की बारीकी से की गई जांच। क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, एसडीएम सतेंद्र सिंह व कोतवाल के साथ आबकारी अधिकारी की टीम रही मौजूद। कोशनगर क्षेत्र में अवैध रूप से बना रहे कच्ची शराब के डेरों पर प्रशासन ने की छापेमारी। तहसीलदार पहुंच राजेश विश्वकर्मा, क्राइम इंस्पेक्टर उदयवान गौतम सहित पुलिस बल रहा मौजूद। महेशपुरा रोड पर कबूतरा डेरा पर 1800 लीटर लहन व 30 लीटर कच्ची शराब हुई बरामद। मिशन शक्ति के तहत एक दिन के लिए 11वीं की छात्रा को बनाया गया कोतवाल। सुनी गई फरियादियों की शिकायतें। महिलाओं की शिकायतों पर निस्तारण के दिए आदेश। तुवन चौराहे पर मास्क चेकिंग अभियान चलाकर काट दिया बिना मास्क लगाए पत्रकार का चालान। और महोबा में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। महोबा नगर पालिका प्रशासन ने दीपावली से पहले दे दिया था अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम। परमानंद तिराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान में की गई तोड़फोड़। दोबारा अतिक्रमण पर होगी कठोर कार्यवाही। भारी पुलिस बल रहा मौजूद। तो ये थी आज की खास बड़ी खबरें खबर फटाफट में। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वीकली। नमस्कार।